के कि आज से 8 दिन बाद जो है हमारे गांव में जो है मेला है, आप सब भी जो है मेले को आए, अपने गांव का जो है मंदिर है वो किस प्रकार से वो दिखाऊंगा आपको। से पैसे किसी और के वहां भेजे गए हैं जो कि मेरे ही गांव से है, उनका मंदिर भी दिखाई दे रहा है तो देख सकते हो आप। 50 रुपये में आपको प्लेट मिल जाएगी क्योंकि घास का सीजन है अभी चलने वाला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मेरा नाम है सूरज। तो अभी ना दोस्तों मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि गांव में जो है तो छोटी सी देवली होनी है तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी। तो सुबह 8 बजे मैं कुल्लू से निकला था और अभी मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ। तो दोस्तों देवली इस बात की है कि आज से 8 दिन बाद जो है हमारे गाँव में जो है मेला है जो कि नाग देवता का मेला होता है। तो जब भी हमारे यहाँ देवता के कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं उसके 8 या 15 दिन पहले जो है देवता को पूछा जाता है ताकि सब कुछ अच्छे से और बढ़िया से हो। और दोस्तों जो ये वाला मेला है ये 3 दिन का मनाया जाता है, 2 दिन देवता की कार्यवाही चलती है और तीसरे दिन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मनाया जाता है। ऐसे कुछ सालों से कोरोना करके भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मनाया गया, इस बार जो है पूरा जो इंतज़ाम किया गया है। तो इस बार जो है दोस्तों इस मेले में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप सब भी जो है मेले को आएँ। मेला है आपका 9th और 10th सितंबर को, शनिवार और रविवार, तो आप लोग इजीली आ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो चाहे और फिर चाहे आम आदमी हो, तो सब लोग आएँ आप पक्का मेले को। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ, तो देवली को तो अभी टाइम है 10-11 बजे जो है देवली स्टार्ट होती है तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने गांव का जो है मंदिर है वो किस प्रकार से वो दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों एक बात और है, उससे पिछले कल जो है मैंने सेब भेजे थे सब्जी मंडी को, मैं खुद नहीं गया था उस करके जो है वहाँ से पैसे किसी और के वहाँ भेजे गए हैं जो कि मेरे ही गांव से है, तो वो सेब के पैसे जो भी है वो भी मांगने हैं मुझे। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा आपको आगे क्या क्या होता है। और दोस्तों 2-3 दिन पहले ना यार क्या बोलते स्पीकर था एक छोटा सा मेरे वहाँ, तो उसमें मैंने सॉन्ग लगाए थे और पता नहीं गलती से मेरे से उसको धक्का लग गया और वो सीधा फ़ोन पे गिर गया, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ था, मैंने वो सीधा फ़ोन पे गिर गया। और ये तो शुक्र करो मैंने फ़ोन में अच्छा ग्लास लगाया है, नहीं तो फ़ोन की स्क्रीन ही टूट जाती। और अभी जो है ग्लास टूट गया यहाँ से तो थोड़ा भद्दा लग रहा है वो, तो इसको मैं चेंज करवाऊँगा, थोड़ा आजकल पैसे की कमी है तो कुछ दिनों में इसको चेंज करवा दूंगा, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा ये। और बाकी दोस्तों अभी आप वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर और देवली तो शायद नहीं दिखा पाऊंगा कि क्या किस प्रकार से होती है क्योंकि मैं उस वक्त जो देवली में बिजी होऊंगा, तो बाकी मंदिर वगैरह दिखाते हैं आपको। और सामने ना दोस्तों यहाँ से स्कूल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं मेरे बचपन की, तो कभी नज़दीक से भी दिखाऊँगा ये स्कूल आपको, तो फ़िलहाल अभी दूर से ही देख लो। तो दोस्तों स्कूल के साथ ही साथ जो हम यहाँ से हमारे जो है देवता फलानी नारायण जी उनका मंदिर भी दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो आप। और जो ये बादल लग रहे हैं मंदिर के साथ कितना अच्छा दिख रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर जाना है मुझे, यहाँ पर जो है देवली होगी करीब 1-2 घंटे की, तो उसके बाद जो है मैं वापिस चला जाऊँगा कुल्लू। और दोस्तों मेले में ना लॉटरी ड्रॉ भी रखा गया है, इससे जो है मेला और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इस लकी ड्रॉ में जो है इनाम जो है प्राइज़ के तौर पर कैश ही रखा गया है। कई जगहों पर जो है जैसे कि कई चीज़ें रखी जाती है जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है सिंपली जो है कैश प्राइज़ रखा गया जैसे कि 8,000, 4,000 ऐसा करके। तो अगर आप लोग जो है ये लॉटरी टिकट कटवाना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे वहाँ टिकट अवेलेबल हैं तो मैं आपकी जो है टिकट काट सकता हूँ। और टिकट जो ओनली है 25 रुपीज़ की जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों ये ना इधर आड़ू का पेड़ है और यहाँ के लोग जो है आड़ू का अचार खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और देखिए अंगूर की तरह लग चुके हैं इतने सारे यहाँ पर।
A few inches later. तो दोस्तों अभी ना मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, 2 मिनट बैठा मैं यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के, वहाँ वहीं पे रुकूंगा मैं और रेस्ट भी वहीं पे करेंगे। तो घर पर आज बैठना नहीं होगा क्योंकि दोस्तों घर में ना कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बैठूंगा घर में। 5 minutes later. और दोस्तों ये है सामने हमारे देवता का मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, और साथ में ही है ये ग्राउंड जहाँ पर कि जो मेला होता है उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जाता है। और यहीं पे जो है स्टेज है, देखिए यहाँ पर लोगों ने घास अनाज रखा हुआ है सूखने के लिए। और सामने ही दूसरा मंदिर है देवते का। और दोस्तों ये दोनों मंदिर बहुत पुराने, आप देखकर पता लगा सकते हो। और इस पे जो है कोई भी कलर वगैरह नहीं किया जाता क्योंकि देवता परमिशन नहीं देते। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भरी धूप में हो रही है देवली। तो अभी जो है दोस्तों हम लोग जो है 2 घंटे की देवली करने के बाद देवता के वहाँ से फ्री हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं जो है माता के वहाँ से माथा टेक के भी आ गया हूँ, और मैं अभी वापस कुल्लू की तरफ जाऊँगा। बाकी खाना भी नहीं खाया है फिलहाल, तो मैं खाना रोड में जाके खाऊँगा। नागूजौड़ है जगह का नाम, वहाँ पर आपको रोड के साथ ही जो है मेरे चाचा की दुकान है, वो वहाँ पर जो है खाना मिल जाएगा और ईज़िली मिल जाएगा और सस्ते दाम में। जैसे कि मैं बता दूँ आपको 50 रुपये में आपको प्लेट मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों आपको वहाँ पर पूरा घर की तरह टेस्ट मिलेगा। अगर आप कभी लग वैली विज़िट करते हैं इस साइड शालंग कालंग, तो आप वहाँ पर ज़रूर रुकें और वहाँ पर जो है खाना ज़रूर खाएं। तो मैं भी अभी जो है खा लेता हूँ खाना, और अभी उसके बाद जो है कुल्लू भी जाना है। और बाकी दोस्तों पीछे देखिए मेरे कितनी बड़ी बड़ी घास हो चुकी है। गांव में ना आजकल पूरा इतना लंबा लंबा घास हो चुका है क्योंकि घास का सीज़न है अभी चलने वाला। तो इसके बाद जो है यहाँ के लोग गांव के जो है घास काटते हैं और सुखाते हैं, और वो जो घास सुखाते हैं वो सर्दी टाइम जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे तो जो है काम आता है, गाय बैल को देने के काम आता है वो घास। तो अभी से लोग जो है घास का ये काम शुरू कर देते हैं, करीब अभी 10-12 दिनों बाद काम शुरू हो जाएगा ये वाला। बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है मैं ऐसे ही और वीडियोज़ दे सकूँ अच्छी अच्छी। और आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिससे मेरे को आगे और अच्छा करने में मदद मिले। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।